हाय गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था काउंटर कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट वन ये है, अपना बुलेट प्रूफ का काम चालू हो गया है। ये देखो चैनल है, ऊपर मैंने फिट किया हूँ एलुमिनियम का, ओके। एंड काउंटर टॉप में भी चैनल फिक्स किया हूँ स्क्रू लगा के यहाँ पे, ओके। एंड दिस इज मनी ट्रे, ये मनी ट्रे लगाते हैं। अभी मैंने कटिंग किया बिफोर, ये पूरा फ्लैट था। अभी इसको कटिंग बराबर एग्जैक्ट किया हूँ। ये 10x8 का ट्रे है। अभी इसके ऊपर बुलेट प्रूफ आएगा, अगली वीडियो में इसमें मैं बता दूँगा। हे गाइस, ये आपको मैंने बताया था मनी ट्रे का है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ गोरेला ग्लू है ये। ये मैंने मनी ट्रे पे इसके आसपास में लगा दिया हूँ ताकि इसको बराबर से स्टिक हो सके। यहाँ पे स्क्रू लगाने का कुछ चांस नहीं है। ओके, ये देखो एक बार स्टिक होने के बाद निकलेगा नहीं। टेन, यू क्लीन हियर प्लीज। क्लीन? या। ओके। हे गाइस, ये एक तो मैंने बिठा दिया। ये 4x8 की शीट रहती है और एक ट्रे तो मैंने बिठा दिया। काउंटर के हिसाब से ट्रे बिठाते हैं। मैं दो ट्रे बिठाने वाला हूँ ये काउंटर पे। 16x10 है काउंटर पूरा टोटल। ये 16 है और ये 10 है ये, ओके। नेक्स्ट वन, ये मैंने ये कर दिया हूँ, कटिंग कर दिया हूँ। ये ट्रे का साइज़ है 10x8 है ये, उस हिसाब से कटिंग होता है। और कस्टमर जैसा कह, कस्टमर जो कहता है उनको कितना गैप पे चाहिए बुलेट प्रूफ शीट, उस हिसाब से मैंने गैप रखा हूँ। अभी इसको मैं ग्लू लगाऊंगा, गोरेला ग्लू जो स्टिक होगा। और दूसरा मैंने बताया था कि ये अभी मैं क्लीन करना बाकी है, ये इसके ऊपर लगाऊं ताकि ये ट्रे बाहर नहीं निकले। ये मनी ट्रे है ये। दूसरा वाला गिलास यहाँ से आएगा, ये कॉर्नर से वहाँ तक आएगा। ये है गोरेला ग्लू जो स्टील और कंक्रीट और मेटल हुड सब पे स्टिक होता है। फिर उसको गर्म करके निकालना पड़ता है अगर निकालना चाहो तो। थोड़ा इसके भी साइड में लगा लेते हैं ताकि बराबर से अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। ये ट्रे के नीचे का हिस्सा है यहाँ पर, यहाँ पे भी सील कर दूंगा मैं। ये रहा दूसरा शीट, बैठ गया। बीच में देखो 10 इंच का है, यहाँ से यहाँ पे 10 इंच का है। यहाँ स्लाइडिंग डोर आएगा, यहाँ पे भी 10 इंच का ही है। यहाँ पे काउंटर पे रजिस्टर आएगा, चाहे वो वाला एम्प्लॉय यूज़ करे या दूसरा वाले का, यहाँ पे रजिस्टर आएगा और लॉटरी मशीन भी यहाँ आएगा। हे गाइस, ये मैंने शीट दूसरी चढ़ा दिया। ये 4x8 है,
काफ़ी हेवी था, 4x8 है, तो कल्ले लोग को लेके आया, उन लोग कैसे चढ़ाना पड़ा, बहुत हेवी रहता ये 4x8, क्योंकि यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं था, गिरने का चांस था, तो उन लोग के हाथ से चढ़ाना पड़ा। 4 जन थे, 4 गाय, तो जब जाके चढ़ाए ऑलमोस्ट तो हो गया है। ये देखो ये ट्रे है, दूसरा वाला भी बता दिया, अमीगो यू टेक इट अप पेपर्स। पूरा हो गया, तो बंदा निकाल रहा है पेपर, पेपर लास्ट में इसके लिए निकालते ताकि स्क्रैच नहीं पड़े इस पे। हे गाइस, ये सेकेंड डे में पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखो ये 10 फीट लॉन्ग है, 4x8 की शीट आती है, बहुत हेवी रहती है, बाप रे। एनीवे, और ये है स्लाइडिंग डोर है, ये मनी ट्रे है, यहाँ से पैसा देते हैं लेते हैं, ओके। ताकि यूएसए में लोगों को पता ही है, आउट ऑफ यूएसए तो बहुत कम जगह पे ये यूज़ होता है मनी ट्रे। स्लाइडिंग डोर है, ये बंद होने के बाद ये लॉक हो गया। ये ओपन हो गया, किसको बंद ही रखना है तो बंद रख सकते हैं, और बड़ी चीज़ चेंज करने के लिए ये विंडो बनाते हैं, ताकि कोई भी ग्रोसरी लेने के लिए आए तो यहाँ से स्कैन करना इजी होता है। ये ट्रे में से सिगार और सिगरेट वगैरह इजी जा सकता है। ये पूरा ऑलमोस्ट पूरा डन हो गया। ये एल शेप में जॉइंट लगाते हैं ताकि कटिंग दिखाई नहीं देवे, फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। ओके, ये जो है वो कॉर्नर से यहाँ पे 8 फीट है, यहाँ से ऑलमोस्ट 20 है, 20 to 20 है। ये लेवल होने से बराबर आपको सही दिखता है, नहीं तो इसमें गैप रहता है। अभी नेक्स्ट हम अपना काम है कारपेट टाइल्स का। यहाँ पे कारपेट टाइल्स आएगा, ये 10x16 का एरिया है, 160 स्क्वायर फीट है। What? It's okay. No, 1 minute. Yeah, this is okay. इसमें मल्टी कलर रहता है, इसको हम अच्छी तरह से डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आएगा, इसमें काफ़ी कलर्स है, मल्टी कलर हैं, और स्टिक होने का है, बट ये इनफ नहीं है, इसको हम गोरेला ग्लू लगा देंगे ताकि इस पर अच्छी तरह स्टिक हो जाए।
और नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कंप्लीट होने के बाद। हे गाइस, ये देखो कारपेट टाइल्स है, इस पे गोरिल्ला ग्लू लगा के स्क्रेपर से इसको बराबर बिटा रहे हैं। सिर्फ कॉर्नर पे बिटाते हैं ताकि निकल नहीं जाए वे। Amigo, yeah, it's okay. Okay, thank you. ये देखो बैठ गए, पूरा हाफ हुआ है। बाद में साइड में कटिंग लगा देंगे यहाँ का होने के बाद। एक्चुअली ये बैक साइड पे है, यहाँ पे रैक आएगा सिगरेट और सिगार का। हे गाइस, ये 160 स्क्वायर फीट डन हो गया। ये पूरा कारपेट टाइल्स, अगर किसको कमेंट करना है या कोई सवाल है या किसी को सीखना है आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल वहीं पे, फिर आपको मैं मेरा लिंक भेजता हूँ। ये देखो कारपेट टाइल्स है, जैसा चाहिए इस तरह से बना सकते हैं। एक पीस बच गया है, 24x24 रहता है। ये पूरा अपना गैस स्टेशन कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट स्टोर का देखते हैं फिर कहाँ पे। ये इलेक्ट्रिशियन का है आउटलेट, 120 वॉट का है। यहाँ पे भी है, रजिस्टर आती है, लॉटरी आती है, इंटरनेट का आता है, काफ़ी चीज़ें आती है यहाँ पे। मैंने टोटल 10 लगाया हूँ। एक बॉक्स में 2 है। ये अच्छा स्पेस रहता है ताकि जाके काफ़ी चीज़ें आ सके। और इसका तो देखो ये 25 है यहाँ से, इनसाइड से, आउटसाइड से 16 है, क्योंकि रजिस्टर का जो आता है शायद 17 आता है, लॉटरी और रजिस्टर का जो भी आता है। ये पुराना वाला आउटलेट है, बॉक्स तो एक ही है साइज, बट एक ही इसने लगाया हुआ है, हमने इधर 2 लगाया हुआ है। बॉक्स का साइज वो है बट 2 है इधर। ओके गाइस, बाय।